दुनिया भर की थ्योरीज और सर्चेस उस वक्त मान पड़ जाती हैं जब कुदरत अपनी करिश्मे दिखाने के लिए मैदान में उतर आती है। क्या दोस्तों कभी आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े बड़े समुद्रों को, एक ही कंट्री की 1/10 आबादी को अपनी बड़ी बड़ी और मजबूत लहरों के लपेट में आते देखा है? और क्या कभी आपने कुदरत की तरफ से होने वाले कोई भी हादसे से पहले कुदरत की तरफ से लोगों को 3 बार आगाह करते देखा है और लोग फिर भी आखिर ऐसे इशारे को समझ ना पाए? आज की वीडियो में हम नेचुरल फिनोमास और वर्ल्ड के बिग डिजास्टर दिखाएंगे जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अलीशा। बिगेस्ट डिजास्टर इन द वर्ल्ड, नंबर 1 पे है जायंट क्रैक। दोस्तों जब हमें बहुत बुरी खबर मिलती है तो अक्सर लोग एक फिक्रा बोलते हैं कि ऐ खुदा, ये सुनने से पहले जमीन क्यों ना फट गई। तो मैं आपको बता दूं, ये बात सच हो रही है। पिछले कई सालों से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जमीन फटने की खबर आ रही है। जमीन पर बिना किसी वजह के बड़ी बड़ी दरारे हो जाना ऐसा लगता है जैसे हमें कोई वार्निंग मिल रही हो। 2005 में इथियोपिया में ऐसी ही दरार बिना किसी जंजले के बन गई थी। ये दरार 35 मील लंबी और कई जगहों पर 20 फीट चौड़ी थी। इस तरह की दरार पेरू के इलाके में भी देखी गई थी। ये दरार 100 मीटर से भी चौड़ी और 15 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी ऐसी दरारें देखी जा चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक ये दरारें जमीन के अंदर की जकड़ कमजोर होने की वजह से हो रही हैं। नंबर 2, 1976 टेनशन अर्थक्वेक। दोस्तों क्या आप जानते हैं 28 जुलाई 1976 को टेंशन में आए अर्थक्वेक से लाखों लोगों की जान को बचाया जा सकता था। कुदरत ने 3-3 बार इन लोगों को इस हादसे के बारे में आगाह किया था, पर सवाल तो ये आता है इतनी वार्निंग के बावजूद इस इशारे को समझ क्यों ना पाए? तो क्या ये लोग उस वक्त सो रहे थे? जी हाँ, तब इस सिटी के लोग सो ही रहे थे क्योंकि ये अर्थक्वेक आधी रात को 3:42 पर आया। 7.692 के अर्थक्वेक ने इनके पैरों के तले से जमीन खसका दी और पूरे इलाके में तबाही मचा दी। जैसे ही ये अर्थक्वेक रुका, लोगों ने मलबे तले फंसे हुए लोगों की हेल्प करना शुरू ही की थी कि बस 15 घंटों के बाद फिर से एक अर्थक्वेक हुआ और इस बार इस अर्थक्वेक की स्पीड 7.192 थी और इस वजह से जो पहले से मलबे के नीचे फंसे लोग थे वो और मलबे के नीचे दब गए। यहाँ तक कि मलबे के ऊपर खड़े लोगों को भी इस अर्थक्वेक ने कुचल डाला। और गाइस, सिर्फ 25 सेकंड के इस अर्थक्वेक ने 90% टेंशन शहर को बर्बाद कर दिया। 2,40,000 लोग इस अर्थक्वेक की वजह से अपनी जान से गए और 1,60,000 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इतनी ज्यादा तबाही, इतने लोगों की जान गई, कितने लोग बेघर हुए, कितने बच्चे लवारिस हो गए, ये सब कुछ रोका जा सकता था। पर कैसे? कुदरत ने टेंशन के लोगों को आगाह किया कि ये बड़ा हादसा होने से पहले ये लोगों ने जरा सा भी सीरियस नहीं लिया। पर आखिर क्या थी कुदरत की तरफ से दी गई वो 3 वार्निंग? तो चले जानते हैं। सबसे पहले जो वार्निंग दी गई टेंशन के एक करीबी गांव में दी गई और वो भी ये तबाही होने से एक दिन पहले। उस गांव के वेल वाटर का लेवल 3 बार उस दिन तेजी से बढ़ा और 3 बार ही तेजी से कम हुआ। और ऐसे ही इस अर्थक्वेक से कुछ दिन पहले एक और पास के गांव में एक वेल वाटर से कुछ गैसेस बाहर निकलने लग पड़ी और पूरे गांव में फैल गई। और तीसरी और लास्ट वार्निंग टेंशन में और आसपास में बसे हुए जानवरों ने अपने बर्ताव से दिखाया। चूहे पागलों की तरह यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे और मुर्गियों ने खाना खाना छोड़ दिया था। ये सब वहाँ के लोगों ने देखा और महसूस भी किया, पर उन्होंने ये सब देखते हुए अनदेखा कर दिया, कुछ एक्शन ना लिया। मतलब अगर इन लोगों ने उस वक्त ये फील किया होता कि कुछ गलत होने वाला है, उस वक्त गांव को छोड़ दिया होता तो एटलीस्ट 3,40,000 लोगों की जान बच गई होती। नंबर 3, नॉर्वेजियन डेड हेरिंग। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेरिंग मछलियाँ
नॉर्थ नॉर्वे के साहिल पर मरी हुई मिली और हैरत की बात तो ये है कि वो रातों रात वहाँ से गायब भी हो गई। ये सब कैसे हुआ इसका पता आज तक नहीं लग सका। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये मछलियाँ समुद्री तूफान की वजह से साहिल पर आ गई होंगी। कुछ का कहना है ऐसा हो सकता है किसी बीमारी की वजह से ये सब हुआ हो, पर आज तक इस वाक्य पर कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका। नंबर 4, सी फॉर्म। समुद्री चाक बनना एक नेचुरल बात है, जो पानी में मरे हुए जानवरों की प्रोटीन या फिर नमकीन पानी में केमिकल का होना या फिर नमकीन पानी की हलचल की वजह से पानी पर चाक बन जाती है और लहरों और हवा के साथ ये साहिल पर जमा हो जाती है। लेकिन जब तूफान आए और समुद्र की लहरों की वजह से ये आसपास के इलाकों में भी फैल जाती है और सारा इलाका चाक में डूब जाता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में तूफान के बाद हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इस फॉर्म ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। ये चाक काफी खतरनाक होती है, इसमें बहुत से जहरीले केमिकल मौजूद होते हैं, इससे जानवरों और इंसानों को काफी नुकसान पहुंचता है। नंबर 5, 1931 चाइना फ्लड। चाइना का सबसे बड़ा फ्लड डिजास्टर जिसने बस कुछ ही टाइम में चाइना की 1/10 की आबादी को अपनी लहरों के चुंगल में निगल कर खत्म कर डाला। 40 लाख से भी ज्यादा लोग इस बाढ़ में अपनी जान से हाथ धो बैठे और इस लाभ में एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बड़े बड़े समुद्रों ने मिलकर चाइना को धो डाला। चाइना के 3 सबसे बड़े रिवर यांगत्सी, येलो और हवाई रिवर ने एक ही साथ एक ही वक्त पर स्लाब की शक्ल में बहने लगे और वो भी गाइस 3 मंथ्स तक। क्या आप जानते हैं यांगत्सी रिवर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट रिवर में आती है और ये चाइना की 1st लार्जेस्ट रिवर है। यहाँ तक कि येलो रिवर चाइना की 2nd लॉन्गेस्ट रिवर है क्योंकि इस स्लाब से बहुत से आसपास के गांव को अपनी लपेट में ले लिया और जैसे ही स्लाब आया वहां के लोगों का बच जाना मुश्किल हो गया। इस स्लाब से ना सिर्फ गांव और बस्तियां ही तबाह ना हुई, चाइना की मेजर सिटीज वुहान और बहुत सी सिटीज को भी नहीं छोड़ा। कम से कम 2,80,00,000 लोग बुरी तरह से जख्मी और बेघर हो गए। ये स्लाब क्योंकि 3 महीने तक चला इसलिए पानी के जरिए कई बीमारियों ने भी जन्म ले लिया, जैसे कि मलेरिया वगैरह। ये बीमारियां तेजी से फैलने लगी। पर सवाल अब ये होता है कि क्या इस स्लाब से बचा जा सकता था। कुदरत ने इनको भी फिर से दोबारा वार्निंग दी थी। 1928 से लेकर 1930 तक चाइना में नदियों में पानी काफी कम हो गया था और जब इतने सूखे के बाद 1930 का विंटर आया तो वो अपने साथ बर्फीले तूफान को लेकर आया और जितनी बारिश वहाँ इतने सालों में नहीं हुई थी वहीं एक साथ बारिश वहाँ पर टूट पड़ी, जिससे कि जमी हुई बर्फ पिघल गई और पानी का लेवल फिर से बढ़ गया। लेकिन बात यहाँ तक न रही, इसके बाद जुलाई के महीने में एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 साइक्लोन्स आए। फिर भी इस पर चाइना की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया और इस चीज का चाइना को आज तक पछतावा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।